Hello everyone, in this video you will get to know what is the use of group by having an order by clause in SQL. क्या यूज है इसकी हेल्प से आप टेबल को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो ओके लॉजिकल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो एंड वी कैन परफॉर्म एग्रीगेट फंक्शन इन दो ग्रुप और आप उन ग्रुप्स के अंदर एग्रीगेट फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो राइट right? तो ग्रुप बाय से आप क्या करोगे जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनको डिफरेंट जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप क्या करोगे डिवाइड कर दोगे ओके okay? और उन ग्रुप्स के ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो राइट इन दिस केस एग्रीगेट फंक्शन विल रिटर्न आउटपुट फॉर ईच ग्रुप और जो एग्रीगेट फंक्शन है वो क्या करेंगे ग्रुप वाइज आपको रिजल्ट दिखाएंगे राइट right? तो ग्रुप बाय क्लॉज का क्या यूज है ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से आप टेबल में जो भी आपके सिमिलर डेटा है टेबल में जो भी सिमिलर डेटा है उसको आप एज अ ग्रुप डिवाइड कर दोगे राइट right? ओके okay, मैं इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ पहले हम ये देख लेते हैं एग्रगेट फंक्शंस क्या होते हैं रिटर्न अ सिंगल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम वैल्यूज इन अ कॉलम तो क्या है एग्रीगेट फंक्शन आपको एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ओके okay? और ये वर्क किस पे करते हैं मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करके आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं एग्रीगेट फंक्शन राइट जहां पर भी नल वैल्यूज होती है उसको एग्रीगेट फंक्शन काउंट नहीं करता है तो डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं यूजफुल एग्रीगेट फंक्शन आर एवरेज फंक्शन रिटर्न एवरेज ऑफ द वैल्यू राइट काउंट स्टार रिटर्न द नंबर ऑफ रोज फर्स्ट रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू लास्ट फंक्शन रिटर्न द लास्ट वैल्यू मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू मिन फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू समय रिटर्न द सम ओके काउंट फंक्शन यूज टू काउंट द वैल्यूज प्रेजेंट इन एनी कॉलम एसक्लूडिंग नल वैल्यूज तो काउंट फंक्शन से आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यूज है और यहाँ पे वो अगर किसी सेल के अंदर नल वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करेगा राइट right? तो एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज पे वर्क करके आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं ओके okay? तो यहाँ अब हम ग्रुप वाई क्लॉज का यूज करके देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी अपना डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस है एम्प्लॉय राइट right? इसको मैंने क्या किया है ओपन कर लिया यूज एम्प्लॉय कमांड आप यूज करोगे ठीक है अब यहाँ पे अगर आपको देखना है इस database में कितनी टेबल्स हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो शो टेबल्स right? में आपकी टेबल्स आ गई इस डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स है थ्री टेबल्स है तो इनमें से मुझे कौन सी टेबल यूज करनी है मुझे इसमें से ई एम पी एल टेबल यूज करनी है मैं इसका डेटा आपको दिखा देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राइट right? ये मेरी टेबल है डेट आई एम गोइंग टू यूज ठीक है क्योंकि ग्रुप बायोस के लिए मैं इस टेबल का यूज कर लू फाइन अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट है क्लर्क सेल्समैन सेल्समैन मैनेजर एनलिस्ट प्रेसिडेंट क्लर्क मैनेजर तो यहाँ पे क्या है सेम सेम डिपार्टमेंट को हम क्या करेंगे ग्रुप में डिवाइड करेंगे राइट right? तो क्वेरी आप लिखोगे मैं यहाँ पे क्वेरी लिखती हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट राइट right? और डिपार्टमेंट को मैंने क्या करना है ग्रुप में डिवाइड करना है और मैं यहाँ पे क्या करूंगी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सम निकालूंगी ओके okay? तो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखे सिलेक्ट डीईपीटी डिपार्टमेंट ओके कॉलम का नेम है ये सम अभी कौन सा फंक्शन यूज एग्रीगेट ओके सम किसका निकालेंगे सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम क्या है ई एम पी एल ई एम पी एल ओके एंड ग्रुप बाय ग्रुप बाय कौन से कॉलम का आप ग्रुप करना चाहते हो कौन सी कॉलम की वैल्यूज का आप ग्रुप करना चाहते हो डिपार्टमेंट राइट अब देखो यहां पर यहां पे क्या है देखो डिपार्टमेंट कॉलम देखो यहाँ पे क्लर्क जितने भी कलर, जो आपका डिपार्टमेंट था क्लर्क वो क्या हुआ कम्बाइंड ओके एक में आ गया है और क्लर्क की सैलरी एड ओके समजेंड ओके और क्लर्क यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड एंड ट्वेल्व थाउजेंड तो आपका यहाँ पे थर्टी सिक्स थाउजेंड आ गया कंबाइंड तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम अब डिपार्टमेंट को हमने ग्रुप कर दिया तो ग्रुप ऊपर आप क्या कर सकते हो आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो ग्रुप के साथ आप aggregate function को apply कर सकते हो तो तो पे जो clerk department की salary का sum आया वो 36, आ गया ऐसे एक ग्रुप बन गया क्लर्क का एक ग्रुप बन गया सेल्समैन okay? का एक ग्रुप बन गया मैनेजर का एक ग्रुप बन गया एनालिस्ट का एक ग्रुप बन गया एंड प्रेसिडेंट का राइट right? ओके okay, अब यहाँ पे सेल्समैन जितने भी हैं उनकी सैलरीज का सम आ गया फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड तो हमारे पास दो ही सेल्समैन मैन है तो यहाँ पे आपका आ गया थर्टी थाउजेंड इन द सेम वे मैनेजर मैनेजर वी हैव नाइन यहाँ पे नाइन्टी थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड ओके एंड हेयर नाइन्टी थाउजेंड ओके तो ये आपका आ गया है सम टू लैख सेवेंटी थाउजेंड राइट तो ऐसे क्या हुआ है आपके डिपार्टमेंट में जितने भी कॉमन वैल्यूज थी कौन उनका क्या हो गया ग्रुप हो गया और उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली हमने क्या अप्लाई कर दिया है हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई कर दिया ओके okay? एक एग्जाम्पल और देखते हैं ओके okay? ग्रुप बाय क्लॉज का राइट right? तो हम लेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट डिपार्टमेंट ओके सम कर दिया हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का सैलरी का सम कर दिया एवरेज निकाल लेते हैं जितनी भी सैलरी है उसका एवरेज निकाल लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज एसक्यूएल आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है आप इसमें कैपिटल uh, लेटर्स में भी लिख सकते हैं कमांड्स और आप इसमें स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो ओके okay? डिपार्टमेंट right? min, okay? so, को ग्रुप वाइज डिवाइड करेंगे ओके okay? फिर यहाँ और क्या कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं सम ऑफ सैलरी एवरेज ऑफ सैलरी मैक्स ऑफ सैलरी मिनिमम सैलरी ओके फ्रॉम एम पी एल ई एम पी एल क्या है टेबल का नेम और ग्रुप बाय कैसे ग्रुपिंग करनी है ग्रुप बाय डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करनी है ओके नाउ लुक एट दिस अब देखो डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी आ गई क्लर्क डिपार्टमेंट में क्या है आपका सम ऑफ सैलरी आ गया एवरेज सैलरी आ गई है मैक्सिमम सैलरी आ गई है कि ट्वेंटी ट्वेल्व थाउजेंड मैक्सिम सैलरी है और मिनिमम सैलरी भी वहां पे ट्वेल्व थाउजेंड ही है राइट तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो गई है और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर दिया सम फंक्शन एवरेज फंक्शन मैक्स फंक्शन मेन फंक्शन ओके Now we have having clause. प्लेसिंग कंडीशंस ऑन ग्रुप आपने क्या किया ग्रुप बाय की हेल्प से ग्रुप्स क्रिएट किए ओके लॉजिकल ग्रुप्स बनाए अब अगर आपको उन ग्रुप्स पर कंडीशंस को अप्लाई करना है तो आप कौन सा क्लॉज यूज करोगे आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे ओके द हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप इन कंट्रास्ट टू वेयर क्लॉज दैट प्लेसेस कंडीशंस ऑन इंडिविजुअल रोज तो अगर आपको ग्रुप के ऊपर क्या करना है कंडीशन को अप्लाई करना है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हो राइट right?

एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होते, है? होते हैं अंडरस्टूड क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर हैविंग क्लॉज क्या करता है ग्रुप के ऊपर कंडीशन को प्लेस करता है ओके वेयर क्लॉज क्या करता है सिर्फ एक इंडिविजुअल रो के ऊपर कंडीशन को प्लेस करता है प्लेस करता है राइट वेयर क्लॉज के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं कर, कर सकते पर आप हैविंग क्लॉज के साथ एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हो राइट right? तो हमने अभी ग्रुप बना लिया ग्रुप बाय क्लॉज से अब हम क्या करेंगे हैविंग की हेल्प से उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई करेंगे ओके okay? राइट right? तो अब हम अपनी क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट ओके एंड एवरेज लेते हैं एवरेज ऑफ सैलरी ठीक है ये एग्रीगेट फंक्शन है आपका फ्रॉम ई एम पी एल राइट ई एम पी एल क्या है टेबल का नेम है अब ग्रुपिंग किससे कर रहे हो आप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया अब देखो आपने क्या किया सिलेक्ट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कॉलम को लिया है और एवरेज सैलरी आपने निकाली है डिपार्टमेंट वाइज ओके फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर दिया अब हम क्या करेंगे इसमें कंडीशन भी लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ हैविंग क्लॉज तो हमने कंडीशन लगाई हैविंग हैविंग डिपार्टमेंट हैविंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट क्या कर दिया हैविंग डिपार्टमेंट इन इन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे हैविंग डिपार्टमेंट इन Clark, okay, and analyst. तो आपने क्या कंडीशन प्लेस की है आपने कंडीशन प्लेस की है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज निकालनी है एवरेज सैलरी ठीक है लेकिन आपने यहाँ पे कंडीशन क्या प्लेस कर दी हैविंग डिपार्टमेंट इन कौन कौन से डिपार्टमेंट हो इन क्लर्क एंड एनालिस्ट तो यहाँ पे सिर्फ दो डिपार्टमेंट का आपके पास क्या आएगा ग्रुपिंग होके एवरेज सैलरी निकल के आएगी क्योंकि हमने डिपार्टमेंट के लिए कंडीशन प्लेस कर दिया कि सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट आप यहाँ पे ले रहे हो क्लर्क एंड एनालिस्ट राइट अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ देखो क्लर्क का ग्रुपिंग हुई ओके okay, उसकी एवरेज सैलरी आ गई ऐसे ही एनालिस्ट की ग्रुपिंग हुई और एनालिस्ट की एवरेज सैलरी आ गई राइट right? तो यहाँ पे हमने हैविंग क्लॉज की हेल्प से क्या किया कंडीशन को प्लेस किया है ग्रुप के ऊपर राइट right? एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका ओके okay, थोड़ा सा इसको अप कर दूं एक और एग्जांपल लेते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी ले लो एवरेज सैलरी ओके एंड सम फ्रॉम ई एम पी एल ईएमपीएल हमारा टेबल का नेम है ग्रुप बाय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ओके विंग अब हैविंग से क्या करेंगे हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे डिपार्टमेंट अब देखो सिंपल मैंने दे दिया हैविंग डिपार्टमेंट मैनेजर तो क्या कंडीशन लगा दी कि आप डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करोगे एवरेज सैलरी निकालोगे सम ऑफ सैलरी निकालोगे ओके लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट आप कौन सा ले रहे हो सिर्फ मैनेजर ले रहे हो राइट तो क्या करेगा जितने भी मैनेजर्स हैं उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा मतलब उनको एक ग्रुप में कंबाइन करेगा और उनकी एवरेज सैलरी निकलेगी और सम ऑफ सैलरी निकलेगी राइट एंटरप्राइज करते हैं देखो मैनेजर्स की एवरेज सैलरी आ गई और मैनेजर का सम आ गया तो हैविंग क्लॉज की हेल्प से आपने क्या किया है कंडीशन को प्लेस किया है यहाँ पे ओके ऑर्डर बाय क्लॉस अलाउस शॉर्टिंग ऑफ द क्वेरी रिजल्ट बाई वन और मोर कॉलम तो ऑर्डर बायोज का कर यूज करके आप क्या कर सकते हो जो आपका आउटपुट टेबल आया है राइट right? रिजल्ट आया है क्वेरी का आप उसमें कॉलम्स को अरेन्ज कर सकते हो राइट ओके द शॉर्टिंग कैन बी डन आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर तो शॉर्टिंग कैसे कर सकते हो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज और डिसेंडिंग में फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल राइट द ऑर्डर बाय की रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो कि किस ऑर्डर में आपको कॉलम को अरेंज करना है तो बाय डिफॉल्ट वो किस में होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज राइट और यू कैन से फ्रॉम ए टू जी राइट द डेटा इन द टेबल इज नॉट शॉर्टेड ओनली द results दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन आर शॉर्टेड तो ये क्लैरिफाई क्या कर रहा है कि जो ओरिजिनल टेबल रहती है वो एज इट इज रहती है वो चेंज नहीं होती है ये जो शॉर्टिंग होती है वो किस में होती है वो रिजल्ट में होती है जो आउटपुट टेबल आई है सिर्फ उसके अंदर होती है राइट right? तो ये क्या है एक टेम्परे चेंज है अगर आपको आउटपुट टेबल में कॉलम्स को शॉर्ट करना है तो आप ऑर्डर बाई क्लॉस का यूज कर सकते हो राइट right? तो पहले मैं यहाँ पे एक बार ई एम पी एल टेबल को शो कर देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल राइट ये मेरी टेबल है ई एम पी एल टेबल है ओके okay. अब क्या करती हूँ यहाँ पे मैं डेटा को कॉलम वाइज अरेंज करती हूँ तो मैं यहाँ पे लूंगी कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल टेबल का नेम है ई एम पी एल ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय अब मुझे कौन से कॉलम से इसको ऑर्डर करना है मैं कर देती हूँ e e okay? e यहाँ पे आपका डेटा रेंज हो चुका है राइट आन्या अर्जुन देन दीपा पूजा राम स्कॉट सीता स्मिथ स्नेहा वीना राइट तो किस ऑर्डर में अरेंज हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है फ्रॉम ए टू जी राइट right? और इसके ही अकॉर्डिंग क्या हुआ है जो कंप्लीट टेबल के कॉलम्स हैं वो क्या हो गए अरेंज हो गए राइट अकॉर्डिंग टू द ई नेम कॉलम फाइन अकॉर्डिंग टू द ई नेम कॉलम जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे अरेंज हो गए राइट ओके तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था ऑर्डर बाय ई नेम लिखा था कोई भी आपने कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए तो बाय डिफॉल्ट इसने किस में अरेंज किया है इसने असेंडिंग ऑर्डर में टेबल को अरेंज किया है ओके okay? अब मान लो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करना है तो मैं क्या कमांड लिखूंगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल ओके और यहाँ पे क्या करना है ऑर्डर बाय ई नेम हम ई नेम कॉलम को अरेंज कर रहे हैं और आपको यहां पे कौन सा कीवर्ड यूज करना है एस सी ठीक है डिसेंडिंग के लिए राइट डीई एस सी अब देखो यहाँ पे आप अपना आप ई नेम कॉलम को देखेंगे अब ये क्या है आपका जो कॉलम में नेम्स अरेंज हुए हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम जी टू ए राइट फ्रॉम जी टू ए राइट इस इस तरीके से हुए हैं वीना स्नेहा स्कॉट राम पूजा दीपा देन इन द एंड अर्जुन आन्या राइट ओके क्योंकि कौन सा कीवर्ड हमने यूज किया था यहाँ पे डी फॉर डिसेंडिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL table, order by e -name and आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया तो यहाँ पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो गया फाइन आप ऑर्डर बाय क्लॉस के साथ कंडीशन को भी यूज कर सकते हो कैसे जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी एल राइट वेयर सैलरी सैलरी हम ले रहे हैं वे सैलरी शुड बी ग्रेटर थाउजेंड ठीक है मैंने क्या किया है आपको ई एम पी एल टेबल में से क्या करना रिकॉर्ड है? निकालने हैं जहा पे सैलरी क्या हो ट्वेंटी थाउजेंड से अव हो और ऑर्डर बाय ऑर्डर बायिंग तो जब आपका जो भी आउटपुट आएगा उसमें क्या होगा जो ई नेम कॉलम होगा वो एक वो किस ऑर्डर में आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा उसके अकॉर्डिंगली ही अरेंज होकर आपका डेटा आएगा फाइन देखो मैं एंटर प्रेस करती हूँ ओके राइट तो हमारी क्वेरी क्या थी सिलेक्ट आर फ्रॉम ई एम पी एल Table से आपके सारे records आ जाएं लेकिन condition क्या लगा तो so, से जाहां, जाहां greater salary है सिर्फ वही कॉलम्स आएंगे वही रिकॉर्ड्स आएंगे नॉट कॉलम्स वही रिकॉर्ड्स आएंगे ओके okay? लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज और कर दी ऑर्डर ई नेम आउटपुट टेबल कैसे आएगी अरेंज होके आएगी ई नेम के अकॉर्डिंगली राइट e right? और हमने यहाँ पे वो कीवर्ड नहीं दिया है कोई भी ए एस सी या डीईएससी तो बाई डिफॉलिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आपके पास टेबल आ गई और वो रिकॉर्ड्स आ गए जहां पे क्या है सैलरी ग्रेटर देन है 20, के ओके वी कैन ऑल्सो अरेन्ज द टेबल ऑन मल्टीपल कॉलम्स तो हम मल्टीपल कॉलम्स में भी क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज को ओके okay? तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ पहले एक टेबल आपको शो कर देती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जस्ट टू सेव टाइम ठीक है ये हमारे पास एक टेबल है EMP जिसमें कॉलम्स है आई डी रोल नंबर एंड ई नेम ओके तो अब मैं क्या दो करूंगी दो कॉलम्स को यहाँ पे अरेन्ज करूंगी ऑर्डर बाय क्लॉज की हेल्प से राइट right? तो आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, एम पी राइट ऑर्डर बाय रोल नंबर रोल नंबर हम किस में दे देंगे असेंडिंग में दे देंगे ठीक है और अगर आप एस सी नहीं, नहीं लिखते तब भी वो असेंडिंग में जाता और आई डी आपने सॉरी आई डी आई डी कॉलम आपने किस में दे दिया डी एस सी डिस में राइट एंटर प्रेस कर दो ओके okay. अब देखो यहां पे हमारा आईडी क्या था वन टू थ्री फोर फाइव राइट right? हमने लेकिन आई को कर दिया डिसेंडिंग में तो अब यहाँ पे ये किस में अरेंज हो गया फाइव फोर थ्री टू वन राइट हो गया डिसेंडिंग में फ्रॉम लास्ट टू स्मॉल अब यहाँ पे रोल नंबर देखो रोल नंबर क्या था हमारा फाइव फोर थ्री वन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था लेकिन हमने रोल नंबर को क्या कर दिया असेंडिंग में अरेंज कर दिया तो रोल नंबर देखो हमारा असेंडिंग में आ गया वन टू थ्री फोर फाइव ओके रोल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया असेंडिंग में और आईडी में कन्वर्ट हो गया डिसेंडिंग में कन्वर्ट मीन्स अरेंज हो गया राइट रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया और आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया राइट right? और उसके अकॉर्डिंगली हमारा ई नेम कॉलम भी अरेंज हो गया राइट right? तो ऑर्डर बाय क्लॉज आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो ओके ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू